कोरोना को लेकर राजस्थान सहित पूरे देश में आगामी 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। ऐसे में तमाम लोगों को कोरोना से बचने के लिए घरों में ही रहने की हिदायत दी गई, बावजूद इसके लोग अपने घरों से लगातार बाहर निकल रहे हैं। खास बात यह है कि तमाम सरकारी मशीनरियों की ओर से अपने स्तर पर लोगों को कोरोना से बचने और लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। राजधानी जयपुर के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार नवरतन प्रजापति ने भी मूर्तिकला के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक किया। मूर्तिकला के जरिए संकट के समय में कोरोना वायरस को किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, इसको लेकर हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति से की खास बातचीत। कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। इस संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया है, 3 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। बावजूद इसके लोग बाग हैं जो अपने घरों से निकल रहे हैं, इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। मगर एक ऐसे मूर्तिकार है जिन्होंने एक अनूठा मैसेज दिया है अपनी मूर्ति के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से कि लोग हैं जो घरों के अंदर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कोई जाति धर्म मानव किसी को नहीं देखता है और लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। लोग किस तरह से बचें इसके लिए ये जो मूर्ति है इसके माध्यम से पूरा एक मैसेज दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर नवरतन प्रजापति है जिन्होंने एक इस मूर्ति का निर्माण किया है यहाँ पर और उस मैसेज दिया है। नवरतन, किस तरह की जो मूर्ति है जो आपने बनाई है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी नमस्कार, मैंने जो आपके सामने जो मूर्ति बनाई है इसके अंदर पूरा लॉकडाउन, पूरा विश्व का लॉकडाउन इसमें दिखाया गया है। अब आपको मैं बताऊँ कि जो कोरोना वायरस है ये कहाँ से आया, ये आया चीन से। चीन से आपको बताना चाहता हूँ इस मूर्ति के माध्यम से। ये देखिए, ये प्लेन है और ये चाइना का प्लेन है। ये प्लेन कोरोना चाइना से आके सीधे अपने विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर स्थापित हो रहा है और ये कोरोना का रूप इसमें दिखाया गया है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो धर्म है चारों धर्म, वो कई लोग ऐसे हैं जो मानव है तो वो चाहते हैं कि ये कोरोना उनके दिल दिमाग में नहीं बैठा हुआ कि कोरोना क्या चीज़ है। कई लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसके कारण से हमारे देश के अंदर कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अपने पाँव पसार रहा है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कई दिनों पहले ही लॉकडाउन किया था लेकिन कई लोग उसका पालन नहीं कर रहे, तो उसको दिखाने के लिए मैंने एक लॉक बनाया है। संपूर्ण लॉक के अंदर मैंने मानव स्थापित किया है और इसमें बताया है कि मानव अंदर रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि मानव के अंदर से ताला है ना, ताले के चारों कोने में चारों धर्म मैंने स्थापित किया है। इसलिए किया है क्योंकि चारों जो धर्म है ना, जो इसको विचार के सोचे मन में ले कि कोरोना वायरस किसी जाति धर्म का नहीं है, वो सिर्फ मानव को अपने अंडर में ले रहा है और मानव के लिए घातक है। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर साहब हुआ, और ये कर्मचारी हुए, नर्स हुई, जो भी हमारे देश के जो अच्छे लोग हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, तो उसको मैंने इस रूप में बताया गया है कि ये कोरोना वायरस के अंदर छिड़काव कर रहे हैं और ये बताया गया है कि तुम सिर्फ घर में रहो, ये हमारा काम है कोरोना वायरस को भगाने के लिए, उसको मारने के लिए, यहाँ से ख़त्म करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कोरोना वायरस के अंदर छिड़काव कर रहे हैं इसका। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने घरों में दीजिए, जो हमारे देश के कर्मचारी हैं वो अपनी सेवा में लग रहे हैं। और मैं सलूट करना चाहता हूँ उन लोगों को जो वास्तव में अपनी जान पर खेलते हुए और खुद का परिवार छोड़ते हुए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ते हुए कार्य कर रहे हैं। और मैं सब लोगों से विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग घरों में रहिए और हमारे कोरोना से सुरक्षित बचिए। नवरतन, ये क्रिएटिविटी कैसा है आपके माइंड में कि नहीं मुझे पूरे धर्म को एकजुट करना है, पूरा देश है जो लॉकडाउन है और आप देख रहे होंगे पूरा आपने बनाई है, मैंने भी देखी है पूरी क्रिएटिविटी, पूरे आपने इस जो मूर्ति बनाई है मिट्टी की मूर्ति है, इसमें पूरे देश को आपने लॉकडाउन कर दिया है, एक जो प्रतिकार है आदमी का वो यहाँ पर दिखा, क्रिएटिविटी कैसा है आपके? जिसकी क्रिएटिविटी मेरे दिमाग में जब आई, जो हमारे जयपुर के अंदर कोरोना वायरस थोड़ी धीरे धीरे फैल रहा था लेकिन बाहर से आए जो जमातवादी है वो घरों में जाके और सबको अछूत कर रहे हैं और कोरोना वायरस फैला रहे हैं, तो हमारे रामगंज के अंदर इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो वो कहीं क्या है, जातीय लोग ऐसे हैं तो इस चीज़ को मान नहीं रहे, जैसे ये मुस्लिम जाति हुई, हिंदू में भी कई भी लोग ऐसे हैं, मैं एक जाति की बात नहीं करूँ, चारों जाति की बात करो। तो ये वायरस हमारे तेज़ी से फैल रहा था रामगंज के अंदर, तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि अपने प्रधानमंत्री जी बार बार मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं और जैसे न्यूज़पेपर हुए उनके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि उनका कितना बड़ा फर्ज है, वो ये देखिए कि वो कितने बड़े आदमी होके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो सरकार भी कर रही है, कई लोग भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता था कि उसको सभी को देखते हुए फिर मैंने लॉकडाउन बनाया। लॉकडाउन के अंदर प्लेन और वायरस
और सैनिटाइज का छिड़काव करते हुए मानव सब बनाए। इसका कैसे आप इसका प्रचार करेंगे, आप कैसे मैसेज देंगे इसका? इसका मैसेज में है कि फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ग्रुप के द्वारा ये मैसेज मैं फैला रहा हूँ कि ये वायरस बहुत खतरनाक है, कृपया इससे बचने के लिए अपने लॉकडाउन के अंदर रहिए और घर के अंदर रहिए, सबसे बड़ी बात मेरी है। तो बिल्कुल ये नवरत्न प्रजापति है, बिल्कुल तस्वीरों में आपने देखा कि जो वायरस है, ये वायरस का यहाँ पर प्रतिकार रूप यहाँ पर दर्शाया है। ये वायरस कुछ नहीं देखता है, पूरा चाइना से आया, क्योंकि बताया जा रहा है कि चाइना के वुहान शहर से वायरस निकला है, उसके बाद इसने धीरे धीरे पूरे सारे देश को ले लिया, भारत भी हमारा चपेट में आ गया, और उसके बाद पूरे विश्व को यहाँ पर लॉकडाउन करना पड़ा है। कई देश हैं उन्होंने अपनी अपनी कंट्री के अंदर लॉकडाउन किया है, भारत भी उसमें लॉकडाउन हुआ है। ये जो वायरस है, ये देश दुनिया कुछ नहीं देखता है, जाति धर्म हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ नहीं देखता है, और इसी प्रतिकार को यहाँ पर दर्शाया है नवरत्न ने, मूर्तिकार हैं जिन्होंने, जिसमें ओम का यहाँ पर साइन लगाया हुआ है, सिख का भी यहाँ पर, ईसाई भी है, पाकिस्तान भी है, यहाँ पर मुसलमान भी है, सभी तरह के धर्मों को इस लॉकडाउन किया गया है। एक इंसान रूपी जो है वो यहाँ पर प्रतिकार यहाँ पर बनाया गया है, उसको भी यहाँ पर लॉकडाउन किया गया, यानी पूरा विश्व है जो आज लॉकडाउन है, पूरा देश लॉकडाउन है। ये जो वायरस है ना, जाति धर्म कुछ नहीं देखता है, और साथ में यहाँ पर सैनिटाइज, यानी जो जनता है जो लगातार सेवा कर रही है, सरकार के जो कार्यान्वयन है वो लगातार काम कर रहे हैं, इस वायरस को भगाने के लिए लगातार सैनिटाइजर किया जा रहा है, जयपुर में भी आप देख रहे होंगे हर जगह सैनिटाइज किया जा रहा है, वही चीज यहाँ पर दर्शाई गई है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक कला के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से यहाँ पर जो नवरत्न प्रजापति है उन्होंने यहाँ पर एक प्रतिकार यहाँ पर दर्शाया है, और इस मूर्ति के माध्यम से एक मैसेज दिया है अनूठा देशवासियों कि आप अपने घरों के अंदर रहिए, और इस कोरोना से तभी आप बच सकते हैं, अगर आप घरों से निकलेंगे तो कोरोना के संक्रमण में आप आ सकते हैं, क्योंकि कोरोना है कोई जाति धर्म कुछ नहीं देखता है, सिर्फ आप उसकी चपेट में आएंगे, इसलिए जरूरी है घरों के अंदर रहें। नवरत्न प्रजापति वो शख्स हैं जिन्होंने यहाँ पर चने पर भी मोटरसाइकिल बनाई थी, लिम्का बुक में इनका नाम दर्ज है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, यहाँ पर यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। ये जितने जो अवार्ड हैं वो इस नवरत्न को इसीलिए मिले हैं ताकि क्रिएटिविटी, अनूठी क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर, और एक अनूठा मैसेज देते हैं, हर बार उन्होंने मैसेज दिया अनूठे, और इस बार भी उन्होंने एक ऐसा अनूठा मैसेज दिया है ताकि लोग जागरूक हो जाएं, और जो हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लॉकडाउन लगाया गया है, सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया उसका यहाँ पर पालन करें। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादेंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज जयपुर। फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।